जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये मौका देने का, ये पल बख्शने का, हम सभी को ये ब्लेसिंग देने का, थैंक यू सो मच डिवाइन प्लेटफॉर्म का। आज पहली बार इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पे जय ऐश कर गुरु जी गोल्डन वर्ड जय ऐश कर उस पे मौका मिला है। जय गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी को फोन भी नहीं करते। यस, गुरु जी को चिट्ठियां भी नहीं लिखते, गुरु जी खुद फोन करते थे। जब गुरु जी को किसी को बहुत अर्जेंट गुरु जी को ब्लेसिंग देनी होती थी ना, तो गुरु जी करते थे। गुरु जी ने मुझे भी ड्रीम में फोन करा था एक बार, मैंने भी फोन पे बात करी है गुरु जी से। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी। तो भाई, गुरु जी का वचन है गुरु जी को वेट नहीं कराना। उषा आंटी जी को बोला था क्योंकि उन्होंने वेट कराया था, तो इसलिए गुरुजी मना करते हैं। जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत को। बहुत सुंदर है गुरुजी का परिवार, हमारा परिवार, मेरा परिवार। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी के चरणों में प्यारी सी ब्लेसिंग शुरू करते हैं। गुरुजी का नाम लेते हुए, गुरुजी को याद करते हुए, गुरुजी महाराज आ गए हैं। सभी गुरुजी का सबसे पहले शुक्राना करेंगे, क्योंकि ये जो मौका है ना, चरण स्पर्श नीलम आंटी जी, जय गुरु जी। ये मुझे मौका है ना, बिल्कुल भी मतलब बहुत कम किस्मत वाले जिनको गुरु जी देते हैं। मुझे दिया, आपको दिया, आप सुनने आए, तो ऐसे हमारे गुरु जी इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पे दी सेवा। थैंक यू सो मच गीत गोगिया आंटी जी, आपने ये सेवा बख्शी। शायद आंटी अभी आई नहीं है, मे भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जय गुरु जी। तो हम शुरू करते हैं गुरु जी के चरणों में। देखो, गुरु जी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग भेजी है मेरे लिए, ये देखो। जय गुरु जी। गुरु जी की डायरी है ये, इसमें मैं भजन भी लिखती हूँ कभी कभी, और कोई सत्संग अगर गुरु जी लिखवाते तो मैं लिखती हूँ। ये पूरी जर्नी मैंने इसमें शॉर्ट में अपनी लिखी थी गुरु जी की। देखो, सेम गुरु जी का दरबार है, कितनी सुंदर है ना। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, ये मेरे अंकल ने भेजी थी, गुरु जी ने भिजवाई थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गीत गोगिया आंटी आ गए, थैंक यू सो मच ये मौका देने का। आंटी जी, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया गुरु जी ने आपको, आपको मतलब जो है मीडियम बनाया, उससे हम यहाँ पर आए। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और गुरु जी की बेटी, आज मैं अपनी, क्योंकि गुरु जी कहते थे सात संगत जी, हमेशा जब भी सत्संग करो ना, शुरू से सत्संग किया करो, शुरू से संगत किया करो। जब भी आप जुड़े हो गुरुजी से, देखो हमें नहीं पता हम कब जुड़े हैं, और हमें बताना भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी मना करते थे ना हमें बताना किसी को, ना किसी से पूछना। ये चीज बिल्कुल हमें अपने माइंड में सेट करनी है। हमें नहीं पूछना कि आप कब से गुरुजी के प्रेमी हो, कब से गुरुजी की संगत में हो, कब से गुरुजी से आप जुड़े हो। नहीं, हमें नहीं पता, ये मालिक ही जानते हैं। दिव्याभाभुक क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, दिव्याभा क्या है। तो इसलिए गुरुजी कहते थे कि जब भी सत्संग किया करो, शुरू से किया करो। तो गुरुजी के चरणों में अनंतम शुक्राना ये मौका देने का। आइए शुरू करते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग। तो मुझे नहीं पता गुरुजी ने कितने जन्मों से मुझे जोड़ा है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ तो मैं वो बता सकती हूँ। मैं गुरुजी से 2019 में कनेक्ट हुई। आई डोंट नो गुरुजी ने मुझे कब जोड़ा था, बट जहाँ से मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक कलयुगी जीव हूँ तो बताना बनता है, लेकिन ये गुरुजी जानते हैं। तो मुझे 2019 में, अभी 22 चल रहा है, 2019 की एंड में, मैं 19 इयर्स की थी उस टाइम, 18 इयर्स की थी, 19 की भी नहीं हुई थी। तो मैं अमृत वेला किया करती थी, महाराज ने अमृत वेला मुझे बख्शा हुआ था गुरु नानक महाराज ने। तो अमृत वेला करते करते कुछ ऐसा, उस टाइम 19 के एज में जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के, तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि गुरुजी को मैंने कभी गुरुजी भी नहीं बोला था मोस्टली, मतलब घर में थे गुरुजी, आए थे। मैं आपको बताती हूँ कैसे आए थे गुरुजी। हमारा बिल्कुल भी वो नहीं था कि हम गुरुजी को कभी लेके भी आएंगे। गुरुजी आए हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि गुरु हमारी कोई क्या औकात है, हम ला सकते हैं गुरुजी को, हम बड़े मंदिर जा सकते हैं, ये तो गुरुजी जानते हैं उन्होंने कब बुलाना है, कब आना है, ये महाराज जानते हैं। तो ऐसा था, मेरे पापा एक्सपायर हुए 2018 में हुए, जब हमारे घर गुरुजी आए। जैसे ही पापा गए और पापा का रूप लेके मेरे महाराज आए, और आज मैं गुरुजी को गुरुजी नहीं बोल के गुरु पापा बोलती हूँ ऑलवेज, क्योंकि मेरे पापा है वो। तो
गुरु पापा आए घर पे, मेरी नानी थी संगत में, नानी अभी है नहीं, गुरु जी के चरणों में अभी वो हमें जोड़ के गए हैं वो। और उस इंसान का कभी नहीं भूलना कर्ज जो आपको गुरु जी से मिलवाता है, उसे हमेशा याद करना और उसका नाम हमेशा लेना है। गुरु जी कहते ने उसका नाम हमेशा लेना है क्योंकि उसको ज्यादा, गुरु जी कहते ना संगत जोड़ो, हमें गुरु जी के वचनों पे चलना है, तो संगत जोड़नी भी चाहिए, गुरु जी के पास ले जानी भी चाहिए। गुरु जी कहते हैं ना जो संगत जोड़ता है मैं उसको पहले ब्लेस करता हूँ, फिर जो आता है फिर मैं उसको ब्लेस करता हूँ। तो जय गुरु जी। गुरु जी आए हमारे घर में, नानी लेके गए, नानी ने दो तीन बार बोला चल परेशान मत हुआ कर, मेरी मम्मा को बोला चल गुरु जी के आश्रम, लेकिन मेरी मम्मा थी एक कि मैं तो किसी गुरु को नहीं मानती, मैं नहीं जाऊंगी। एक बार बोला वो नहीं गए, मेरी नानी अकेले बड़े मंदिर गए, मेरे मामू गए, फिर दोबारा से मम्मी को बोला वो फिर भी नहीं गए। जब वो नेक्स्ट टाइम गए दो तीन महीने बाद, फिर भी मेरी मम्मा नहीं गए। देखो कैसे गुरुजी ने अपनी तरफ खींच लिया उनको। थर्ड टाइम मम्मा इतना परेशान थे, पापा तभी एक्सपायर हुए थे कुछ टाइम पहले और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ज्यादा हो गई थी, रेंट का घर था और आज भी रेंट का है, लेकिन हमारे लिए तो गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, हमें बिल्कुल जीवन बदल दिया, और रेंट का नहीं वो अपना ही लगता है बिल्कुल। और एक दिन आएगा आपको मैं बता नहीं सकती, गुरुजी ने मुझे फ्यूचर तक ब्लेस किया है, फ्यूचर ब्लेस करना, मुझे फ्यूचर दिखा दिया कि तेरा फ्यूचर क्या होगा। ड्रीम में आके प्रॉपरली गुरुजी ने मुझसे बातें करी है, एक एक चीज बताते हैं गुरुजी कि ऐसे नहीं ऐसे करा कर, ऐसे हमारे गुरुजी। तो गुरुजी हमारे घर पे आए, मम्मा को बहुत फोर्स किया, गुरुजी ने बुलाना था, आना था हमारे घर पे, मम्मा गए उस दिन। मम्मा पहली बार जब बड़े मंदिर गए तो इतना रोए, इतना ज्यादा रोए, फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर देखा। जब गुरुजी की समाधि पे मत्था टेका तो बहुत ही ज्यादा रोए, और समझ लो संगत जी अगर रोना आ गया ना गुरुजी का सत्संग करते हुए, सिमरन करते हुए, गुरुजी के पास बैठे हुए, तो आपकी दिल की आवाज गुरुजी तक पहुंच गई। जय गुरु। हाँ गुरुजी फ्यूचर भी दिखाते हैं बिल्कुल, गुरुजी तो जान ही जाने हैं, गुरुजी ब्रह्मांड के पिता है, उन्हें तो हमें हमारा सब कुछ पता है। गुरुजी की मेहर जिस दिन हो जाती है ना तो फिर हो जाती है। तो गुरुजी ने मुझे फ्यूचर ब्लेस किया, गुरुजी ने मेरे से खुद कहा है, क्या कहा है गुरुजी ने, तू तो मेरी सेवा तब भी करेगी जब तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे, ये गुरुजी ने बोला था। और गुरुजी ड्रीम में आते हैं, गुरुजी ने ये भी दिखाया कि हम यहाँ से जब अपने घर से रेंट से जाएंगे, जिस घर में भी जाएं हम, उसमें सबसे पहले गुरुजी बैठे होंगे। गुरुजी ने प्रॉपर अपना दृश्य डिवाइन, जो गुरुजी का रूप है, जो लाइट है गुरुजी, प्रॉपर उन्होंने अपने दर्शन दिए, जबकि मुझे नहीं पता हम कौन से घर में जाएंगे, देखो, लेकिन गुरुजी को पता है। तो ऐसे हैं, ऐसे फ्यूचर में भी ब्लेस करते हैं गुरुजी। तो जब मम्मा गई फर्स्ट टाइम समाधि के पास, गुरुजी के मत्था टेका, तो मम्मा बहुत रोए, बहुत ज्यादा रोए, इतना रोए उनके दिल से एक आवाज आई कि गुरुजी आप तो मुझे पहले मिल जाते तो मेरे हस्बैंड नहीं जाते, मतलब मेरे पापा उस टाइम एक्सपायर हुए थे, मेरे पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया था अचानक से, सडनली, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। और वो भोले जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो भी भोले जी को बहुत माना करते थे वो, और जागरणों में भी भोले जी का वो करते थे, जो रूप लेकर वो करते ना डांस वगैरह, वो करते थे, झांकियां कर दिखाते थे, तो ऐसे थे। तो उस दिन, जिस दिन वो एक्सपायर हुए थे ना, जिस दिन वो गुरु जी के चरणों में गए, तो उस दिन महाशिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि का दिन था उस दिन, तो उस दिन खुला दरबार था, गुरुजी ने उसी दिन बुलाया, और हमारे घर गुरुजी फिर उसी दिन, मतलब उसके 13 से 15 दिन में आ गए थे, गुरुजी हमारे घर आ गए। जब गुरुजी आए तो छोटा सा स्वरूप है हमारे पास मंदिर में, हम लगाते हैं शुरू से मंदिर में है वो, तो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दी मम्मा को, मम्मा बहुत रोए, घर आके उनको इतनी शांति मिली कि पता नहीं आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। और मम्मा ने आके बताया घर पे कि मैं तो आज नानी के साथ गई थी और ऐसे ऐसे है, और ये गुरुजी है, आप रोज नाम लिया करो, ये तो शिव का रूप है, आप रोज नाम लिया करो, बस मम्मा ने इतना ही बताया। मैं उस टाइम 18 की थी, 19 की होने वाली थी, तो मम्मा ने जब ये चीज बताई मुझे तो मैंने कहा ठीक है मैंने नाम लूंगी, मेरी चल रही थी उस टाइम फर्स्ट ईयर था मेरा, मैं नाम लेती थी नॉर्मली, जय गुरुजी बोल दिया सुबह शाम, ठीक है इतना, गुरुजी के शब्द सुनती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, इतना ही कनेक्शन था, कभी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना, लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनेगा, कब बनेगा, जब आप डायरेक्ट बातें करोगे गुरुजी से, डायरेक्ट अपने दर्द
खुशी दुख सब बांटोगे गुरुजी से, वो होता है डायरेक्ट कनेक्शन। जब गुरुजी डायरेक्ट आपको हर चीज का जवाब देते हैं, हर रास्ता आपको दिखाते हैं, वो होता है डायरेक्ट कनेक्शन। तो हाँ जी, तो गुरुजी ने मतलब मैंने डायरेक्ट कनेक्शन बनाया गुरुजी से। मैं अमृत वेला करती थी उस टाइम, मेरे साथ कॉलेज में कोई छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, क्योंकि मेरी लाइफ जो थी वो एक उस लेवल की नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 19 एज की थी, लेकिन मैंने बहुत जल्दी सोच ली थी शादी करने की। एक लत सी लग गई थी, दिमाग नहीं था, बच्चे वाला दिमाग था, बट बड़ा मन करता था कि किसी से शादी होगी, अब तो मेरी ऐसे होगा ऐसे होगा। तो मेरे फ्रेंड थे कॉलेज के, अब वो जो सामने जो लड़का था जिससे मैं शादी के लिए बोलती थी, वो कॉलेज के ही थे, कॉलेज के नहीं थे प्रॉपरली, बट ये वो भी कॉलेज कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने मेरे को प्रपोज किया, हम शादी करेंगे। 19 की एज में कोई शादी करता है? बट मेरे दिमाग में था शादी करूंगी मैं, बड़े मैं पागल थी कि मैं तो शादी करूंगी। दिमाग नहीं था ना, कोई सिखाने वाला नहीं था, ऐसे गुरु नहीं थे, ऐसे पापा नहीं थे ना सिखाने वाले, पापा तो चले गए थे तो कौन सिखाएगा, फिर तो दिमाग तो भटकेगा फिर गलत रास्ते पे। तो मैंने मम्मा को बोला मैं तो शादी करूंगी, तो मम्मा ने बोला ठीक है हम करेंगे, अभी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, थोड़े ठंड वे हम करेंगे। लेकिन नहीं, सबर ही नहीं है, हमें तो करनी है तो करनी है, इसी साल करनी है शादी, बड़ी लत सी लगा ली। तो नया रिलेशन था, फ्रेंड बना, कुछ जानते ही नहीं थे, फ्रेंड बना लिया, 4 महीने में शादी भी बोल दी घर में, शादी करनी है हमें तो। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मेरी बात करा जिससे शादी करनी है, कौन लड़का है, उनके पेरेंट्स से बात करा, है ना, प्रॉपरली सब बात करेंगे, क्योंकि हर चीज देख के करेंगे, ठीक है। 4 महीने में हाय हेलो कॉलेज में होती रही, और फिर हम घर पे, गुरुजी ने देखो मुझे कैसे लाइफ ब्लेस करी, नहीं तो आज मैं नहीं होती, मैं भी शायद नहीं होती। तब तक मैं महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाया था, पापा नहीं बोलती थी, जब तक डायरेक्ट कनेक्शन था ही नहीं गुरुजी से। गुरुजी का स्वरूप भी बड़ा कम देखती थी मैं, कोई प्यार मतलब इतना वो प्यार था ही नहीं कि मेरे महाराज आके मेरी जिंदगी बदल देंगे, फ्यूचर तक ब्लेस कर देंगे, घर तक ब्लेस कर देंगे, यहाँ तक कि वर भी ब्लेस कर देंगे, बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। तो मैंने कहा कि करनी है, फिर मैंने बात कराया उनसे, उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स ने बोला ठीक है मिलके बात करेंगे, हम तो कर देंगे शादी। जैसे उनके पेरेंट्स आते हैं, आई डोंट नो वो क्यों मेरे साथ चीट हो रहा था, धोखा दे रहे थे मुझे, लाइफ खराब कर रहे थे, तो गुरुजी ने कैसे उस कीचड़ से निकाला। कहते हैं ना गुरुजी, जब भी मत्था टेको क्या मंगो, गुरुजी इस कीचड़ से कढ लो, कीचड़ से निकाल दो, क्योंकि क्या मांग रहे हैं हमें नहीं पता, हम क्या मांग रहे हैं, सिर्फ गुरुजी से यही बोलना है, गुरुजी कीचड़ से निकाल दो। तो तब तक तो दिमाग ही नहीं था, और मुझे नहीं पता मैं कीचड़ में जा रही हूँ, और महाराज से जुड़ी भी नहीं थी मैं, ये देखो आप। तो जब तक मैं अमृत वेला करती थी, बस मुझे पता था मैं गुरु पापा के स्वरूप के पास बैठ गई, गुरु नानक जी का पाठ सुन लिया, सुखमणि साहिब जी का पाठ सुन लिया, जपजीत साहिब जी का पाठ सुन लिया, मेरा अमृत वेला हो गया, और गुरु जी का एक शुक्राना सुन लिया, ये करती थी मैं। पापा नहीं बोला मेरे, जब मैंने पापा बोला और गुरु जी ने जब मेरे को खुद, मैंने हाथ ऐसे नहीं करा, गुरु जी ने हाथ ऐसे करा, क्योंकि मैंने मांगा है उनको, मैंने मांगा है, मुझे जरूरत है, मैंने मांगा है, और मैं जब मैं मांगूंगी ना, जब गुरु जी देंगे तो वो वापस कभी लेंगे भी नहीं, जब गुरु जी खुद देंगे तो वो वापस नहीं लेंगे। अगर मैं कहूंगी ना गुरु जी ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मेरा मतलब आप मतलब मेरा हाथ पकड़ लो, तो मैं तो छोड़ भी दूंगी, गुरु जी से बोलती गुरु जी आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो मैंने ऐसे ही बोला था अमृत वेले में। ऐसा हुआ जब उनके पेरेंट्स से बात हुई, तो उनके पेरेंट्स आए, कहते हैं आपको इनकी एज पता है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरी तो अभी आपकी एज क्या है? मेरी मम्मा ने बोला 19 की अभी तो ये, और लड़की की एज क्या है? 28 का था। बताओ कितना फर्क होता है 19 और 28 में। सबसे पहले तो शौक यहीं पे लगा, और जो लड़का था उसने मेरे को अपनी एज बताई थी 23 की बस, लेकिन 23 भी बहुत था डिफरेंस, पर ठीक ही चल जाता था, मुझे लगता था ठीक है, लेकिन वो लगते नहीं थे मतलब इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, एज अ बॉय 23 के वो लगते थे, लेकिन उनकी एज रियल 28 थी। उनके पेरेंट्स ने आके बताई, कह रहे आपको एज पता है? तो मम्मी ने बोला नहीं, तो 23 बता रही है, कह रहे 28 है। तो शॉक लगा बहुत बड़ा, अच्छा जी इतना बड़ा झूठ। उसके बाद बताया कि कोई अपना काम नहीं करता लड़का, ड्रिंक करता है लड़का, सुबह से ड्रिंक करता है,
बहने कम आती है घर में तब वो खाता है। तो बताओ जिस घर में मैं जाती और मैं जिसके पल्ले बन जाती, जिससे मेरी शादी हो जाती इतनी सी एज में, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। तो मम्मी उनके पेरेंट्स कह रहे हैं आपकी बेटी आके काम करेगी और ये खाएगा बैठ के, ऐसा है हमारा लड़का। मतलब खुद ऐसे पेरेंट्स थे, वो पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने बेटी की लाज बचाई, जिंदगी बचाई। तो ऐसे फिर कौन पेरेंट्स कर देगा। और आपको पता ही बात है किसने बोली थी, ये गुरुजी ने बोली थी। उनके पेरेंट्स गुरुजी वाले नहीं थे, वो जो फैमिली थी वो गुरुजी की नहीं थी। वो लड़का ना गुरुजी को मानते थे, ना वो गुरुजी की संगत में थे, ना उनके पेरेंट्स। लेकिन जो उनके पेरेंट्स के साथ, उनके फादर और सिस्टर के साथ एक अंकल आए थे, वो उनके फ्रेंड थे और वो साक्षात गुरुजी आए थे। आपको पता है वो गुरुजी की संगत में थे, वो किसी को भी नहीं पता था, वो गुरुजी की संगत साक्षात गुरुजी आके बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। उन अंकल ने मुझसे एक बात कही, उन अंकल ने ज्यादा नहीं बोला, वो बस आए थे साथ में उनके पेरेंट्स के। बातें सारी पेरेंट्स ने करी, सच्चाई सारी पेरेंट्स ने बताई, उनकी सिस्टर ने बताई कि ऐसे ऐसे है और आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, हम तो कर देंगे, तो बहुत छोटी है ना समझ है। लेकिन जो वो अंकल बैठे थे ना साथ में, वो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि गुरुजी आपको पता ज्यादा बोलते नहीं थे, वो तो सीधा कल्याण ही करते थे। तो उन अंकल ने मुझसे पर्सनली पास में बुलाया, जब आपने गुरुजी को अपने पापा बना लिया तो वो अपनी बेटी को कभी परेशान नहीं होने देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक पापा ने भी नहीं बनाया था मैंने, ये देखो आप, लेकिन गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया था, इसलिए तो मैं कहती हूँ। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि हमें नहीं पता हम कब जुड़े हैं गुरुजी से, कितने जन्मों से रिश्ता है, ये तो गुरुजी जानते हैं, ये तो गुरुजी जानते हैं। तो वो जो अंकल थे ना, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया पर्सनली। मेरे गले में ऐसा लॉकेट, मैंने दूसरा वाला पहना हुआ था, ऐसा ही लॉकेट था गले में, तो मेरे गले का लॉकेट देखा तो कह रहे आप गुरुजी की संगत में। हमारे घर पे गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ था, बड़ा वाला बिग स्वरूप जो हमारे लगा हुआ है। तो देख के वो तो बड़े खुश हुए, कहते आप गुरुजी की संगत में हो, कहते हाँ जी। तो मम्मी ने बोला आप भी हो, मतलब अंकल जी, कहते हाँ जी मैं गुरुजी हूँ, मैं तो गुरुजी की संगत में हूँ, बिल्कुल। कहते आपकी बेटी को यहाँ भेजो। पता है मुझे पास में बुला के क्या बोला उन्होंने, बेटा अभी तो आप बहुत छोटे हो, अनमिच्योर हो, आप गुरुजी की बेटे बच्चे हो ना, अगर गुरुजी पे विश्वास है आपको तो आज आप यहीं पे सब कुछ भूल जाओगे और अपनी नई लाइफ शुरू करोगे। पहले पढ़ोगे, फिर अपनी अर्निंग करोगे, अपने घर को देखोगे, आपके पापा भी नहीं है, मम्मी की हेल्प करोगे, उसके बाद शादी करोगे। और गुरुजी पे विश्वास रखो आप, गुरुजी आपको इतना देंगे ना जो आपने सोचा भी नहीं होगा, गुरुजी ऐसा आपको लाइफ पार्टनर देंगे, उन अंकल ने बोला था ये। और आज का दिन है सात संगत जी, सच बता रही हूं मैं सच बता रही हूँ, शायद अंकल भी मेरे सुन रहे हो सत्संग। सच में जो मुझे फ्यूचर मेरे जो अंकल हैं, उन्होंने इतने अच्छे अंकल ब्लेस किए हैं मुझे, इतने अच्छे अंकल ब्लेस किए हैं। और ये खुद गुरुजी ने रिश्ता बनाया, ये तो मेरे एक सत्संग है और मैं गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग पे शेयर करूंगी। ये मेरे महाराज जो आज बुलवाएंगे मैं वो बोलूंगी। तो वहां उन अंकल ने मेरी लाइफ ब्लेस करी, मेरे गुरुजी साक्षात आए, मेरे सर पे हाथ रख के गए, मुझे ऐसे करके समझाया। मैंने कहा ठीक है, उस दिन के दिन है और आज का दिन है। लेकिन चंचल मन है, इंसानी है, हम तो इंसानी रूप है, कलियुगी जीव है, मन में आता है। और बच्चों के तो बहुत जल्दी आता है नेगेटिव करने का। मैं अनमिच्योर थी, लेकिन शायद अब मैं थोड़े बहुत मिच्योर हो गई हूँ, मेरे मालिक ने कर दिया है, शायद कर दिया है, क्योंकि अभी भी मैं कभी कभी बच्चों वाली बातें कर देती हूँ। लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, तब मैं बहुत बच्ची थी। लेकिन आज मैं अपने आप को बड़ा समझती हूँ कि हाँ भाई, मेरे में थोड़ा सा तो माइंड आ ही गया गुरु पापा, थोड़ा मैं समझा तो सकती हूँ किसी को सामने से। तो ऐसे करके गुरु जी ने मुझे समझा के गए। और आज का दिन फिर भी माइंड में पता क्या आता था, मेरे साथ क्यों चीट हुआ गुरु जी, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, सॉरी। प्यारा सत्संग है, हाँ जी, बहुत सारे सत्संग प्यारे हैं गुरु जी के, जय गुरु जी, शुक्राना मालिक का। तो मैंने कहा गुरु जी, मैं ना इस चीज से निकल गई थी, फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला था, अमृत वेला चल रहा था, वो समय चल रहा था, 19 की एज हो गई थी मेरी। तो धीरे धीरे अमृत वेला करते करते एक दिन ऐसा हुआ, माइंड में चलता था कि गुरु जी मेरे साथ गलती क्यों हुई। कहीं पे भी माइंड नहीं लगता था, ना स्टडी में लगता था, ना घर में लगता था, ना किसी मम्मी से बात करनी सही से, मन बड़ा सा अजीब हो गया था।
एक खौफ सा था घर दिल में कि कैसी लाइफ हो गई है, इतनी सी एज में स्टडी में भी माइंड नहीं लगता। गुरुजी वो बातें क्यों नहीं भुलाती मैं, जब मैं भूल चुकी हूँ, आपने मुझे समझा के गए वो अंकल, मैं भूल क्यों नहीं पाती। तब मेरे महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने गुरु पापा को आवाज दे के बुलाया था अमृत वेले में। मैं गुरुजी को सिर्फ गुरुजी कहती थी और गुरुजी के पास बैठ के अमृत वेला करती थी। मैंने एक दिन कहा गुरुजी से, रात को रोते रोते मेरा पाठ चल रहा था, मेरी आंखें बंद थी उस टाइम, मेरी आंखें इतनी सूज गई रोते रोते, पता नहीं क्यों और किसको याद करके रो रही हूँ, गुरुजी को मैं बोल रही हूँ। उनके गुरुजी, मम्मी कहती है आप गुरुजी हो और आप भगवान हो, आप भगवान हो ना, मेरे तो पापा नहीं है। मैंने तो बोला गुरुजी से, मेरे तो पापा नहीं है, मैं किसको बोलूं, मैं मम्मा को नहीं बोल सकती सारी बातें, मुझे पापा चाहिए, आप मेरे पापा बनोगे तो आप एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने खुद बोला आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि वो पकड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, मैं पकड़ूंगी तो क्या पता छोड़ दो। तो गुरुजी आते हैं, हाँ जी जब कोई नहीं आता ना तो गुरुजी बिल्कुल आए, बिल्कुल आए संगत जी, आज मेरे गुरु पापा बुलवा रहे हैं, ये मेरी कोई औकात नहीं है दरबार लगाने की, सत्संग करने की, है ना। आप भी नहीं आ सकते बिना कहे तो गुरुजी के सत्संग में, ना बड़े मंदिर कहीं नहीं जा सकते। तो गुरुजी से मैंने बोला गुरु पापा मेरा हाथ पकड़ लो, पापा बोला, पापा मेरा हाथ पकड़ लो, एक दो काम है मेरे पास, दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे अपने पास बुला लो। बड़ी माइंड डिस्टर्ब था उस टाइम, बहुत गलत बोला मैंने, पापा अपने पास बुला लो आप मुझे, भगवान जी हो ना अपने पास बुला लो। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया गुरु पापा ये बातें भुलवा दो, या तो ये जो मेरे माइंड में चलता है ना इसको मैं सच एकदम से भूल जाऊं और मेरा माइंड जो है ना स्टडी में लग जाए, मैं अपने घर को देखूं, अपनी मम्मा को देखूं, अपनी छोटी सिस्टर को देखूं, मेरा कोई भी नहीं है, एक आप हो। तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, अब दो में से आप ही बताओ आप क्या करोगे। तो गुरु जी ने तो वही करना था, लाइफ ब्लेस करनी थी, गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी उस दिन का दिन और आज का दिन। संगत जी इतनी सुंदर लाइफ है ना, कोई प्रॉब्लम 1% आ जाती है, सबके पास आती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही जिंदगी है। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, अगर महाराज 100% कर्म काट देंगे तो फिर हम तो महाराज को भूल जाएंगे, तभी तो वो 10% तो हमें झेलना ही है, हमारे कर्म है, हम करके आए हैं, इसमें हमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना। संगत जी दूसरे को हमें नहीं बोलना कि ये तो मुझे गाली दे रहा है, इसने तो मेरी ये वाली जायदाद ले ली, पैसा ले लिया, ये ले लिया, ये हमारे कर्म है, ये गुरु जी कटवा रहे हैं। कैसे कटवा रहे हैं, सेवा करके, सिमरन करके, सत्संग करके, सत्संग सुन के, बड़े मंदिर जाके, गुरु जी का नाम लेके। गुरु जी के अपने डिफरेंट है तरीके, अपने डिफरेंट तरीके हैं। गुरु जी के पास जाना मुझे भी ज्यादा नहीं जीना, दिस इज नॉट, नहीं ऐसा नहीं बोलना, बिल्कुल भी नेगेटिविटी मन में आनी नहीं चाहिए, मेरे मन में आई नेगेटिविटी, लेकिन मुझे गुरु जी ने आज इतना पॉजिटिव कर दिया, इतना पॉजिटिव कर दिया, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। गुरु जी को दिल से याद करो, उनको एक आवाज दो, वो अभी आ जाएंगे आपके पास, आपके पास बैठे होंगे। देखो आप यहां मत देखो, आप अपने पास देखो गुरु जी को, इतने अच्छे हमारे गुरु जी। तो मैं आपको बताती हूँ, गुरु जी की बेटी, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और जो गुरु जी की बेटी ये नाम है मेरा, ये जो नाम है मेरा ये मैंने नहीं, मेरे मालिक ने रखा है गुरु जी की बेटी। अब कैसे रखा मैं आपको बताती हूँ, मैं बड़ी गुरु जी की मतलब, ये देखो मैं आपको लेटेस्ट कल की बात बताऊं क्या हुआ। कल मैं बड़े मंदिर गई थी और कल मुझे गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया, मेरे अंकल के साथ, अंकल का बर्थडे था तो बुलाया। और मतलब 1 वीक पहले मैं इतना रो रही थी, मैं इतना रोती हूँ, रोती तो मैं बहुत हूँ, ऐवी रोती रहती हूँ, ऐवी कर रोने का मतलब है गुरु बाबा को याद कर करके, है वो मेरे पास ही, हाथ उनका मेरे सर पे है, मेरी बाह पकड़ रखी है, मुझे हक कर रखा है, सब कुछ गुरु जी ने ड्रीम में आए मुझसे मिले हैं, गुरु जी प्रॉपरली बड़े मंदिर में मुझसे मिलते हैं बैठ के, फिजिकल फॉर्म में वो अपना रूप दिखाते हैं मुझे, भोले जी के रूप में 2 बार दर्शन दिए उन्होंने मुझे, साक्षात भोले जी का चोला पहन के, जो कैलाश के पर्वत पे जो पहनते हैं महाराज, राजाओं के राजा, महाराजन के महाराजा, हमारे गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं बड़े मंदिर के स्टेयर्स पे, ऐसे भी दर्शन दिए गुरुजी ने। तो कल पता क्या हुआ, मैं आपको कल की बता रही थी लेटेस्ट एक बात, मेरे को बड़ा मन कर रहा कि मैं पास में जाके गुरुजी से बात करूं, लेकिन आपको पता है रश होता है मंदिर में, बहुत सी संगत होती है, मुझे भी दिखाया था जय गुरुजी, जय गुरुजी, डिवाइन दर्शन, बहुत सुंदर, दिल से याद करोगे ना गुरुजी
आपसे मिलने आएंगे, आप रास्ते में बता कहोगे ना गुरुजी ऐसी बातें हैं, कहाँ हो आप, तुरंत आपको गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर टकराएगी आपसे, जरूर आपको दिखेंगे वो, ऐसे हैं वो। उन्हें क्या चाहिए, वो भूखे नहीं है, पैसों के भूखे नहीं है, वो किसी भी चीज के भूखे नहीं है गुरुजी, किसी एक एक मतलब यहाँ तक कि धूपबत्ती नहीं मांगते हमारे गुरुजी, क्या मांगते हैं, भाव मांगते, भाव। एक ऐसा ही मंदिर है, सिर्फ एक बड़े मंदिर है जहाँ पे ना कि वो धूप जलती है, ना कोई हमें अगरबत्ती लेके जानी है, ना हमें कोई घंटी बजानी है, सिर्फ हमें क्या लेके जाना है, प्यार लेके जाना है, और वहां से सिर्फ खुशियां लेके आनी है। आज भी आए थे, वाओ जय गुरु जी जय गुरु जी। मेरे भी आते रहते हैं आंटी जी गुरु जी ड्रीम में, बहुत ड्रीम तो बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारी ब्लेसिंग दी गुरु जी ने, आज जो बुलवाएंगे। अब कल ऐसा हुआ, मैं बड़े मंदिर गई तो मैं बड़ी चंचल हूँ, मेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं एक बार बैठ जाऊं बस गुरु पापा के पास, पर एक दिन तो शायद ऐसा मौका आएगा, क्योंकि ड्रीम में तो गुरु जी ने ये मौका मुझे दिया। मैं पता रात को 2:30 बजे गुरु जी से मिलने गई थी ड्रीम में, और हकीकत में 2:30 बजे थे फोन में, आपको पता है अमृत वेले का समय था, व्हाइट चोले में आए थे, वाओ जय गुरु जी। मुझे भी ड्रीम में हमेशा गुरु जी व्हाइट चोले में दिखते हैं आंटी जी, व्हाइट चोले में, और ऊपर भी गुरु जी मतलब व्हाइट चोला ही पहनते, जहाँ गुरु जी है ना अपने असली जगह पे, वहां गुरु जी कहते थे गुरु जी वहां व्हाइट चोला पहनते हैं, आपको पता है व्हाइट चोला पहनते गुरु जी, गुरु जी ने खुद बोला। और गुरु जी जब आते हैं ना ड्रीम में तो बहुत अच्छे, जन्नत मतलब गुरु जी से मिल लिए अब तो, गुरु जी जब बातें करते हैं ना टेलीपैथी जब बातें करते हैं ड्रीम में, बहुत ज्यादा इतना अच्छा लगता है ना, बस जाओ मत ड्रीम से, ड्रीम में रह जाओ। और गुरु जी कहते थे मेरे ड्रीम कोई ले नहीं सकता, कोई भी नहीं ले सकता गुरु जी का ड्रीम, क्योंकि हम ले ही नहीं सकते, हम उनको लेने का क्या मतलब है, हम उनकी जो पावर है ना वो अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, गुरु जी की जो लाइट है वो हम नहीं ले सकते, लेकिन जिसके ड्रीम में गुरु जी आते हैं ना वो बहुत भाग्य वाला होता है, गुरु जी खुद मिलने आते हैं साक्षात, जी खुद मिलने आते हैं साक्षात ड्रीम में। तो ऐसे हमारे गुरु जी, कल बड़े मंदिर गए, दर्शन हुए, जल्दी जल्दी होते हैं, मंडे को काफी रश भी होता है क्योंकि मंडे को सुबह से मंदिर ओपन होता है 8 बजे से, तो गए कल, ब्रेड प्रसाद था, चाय प्रसाद था, लड्डू प्रसाद था, तो पहले हमने नीचे दर्शन कर लिए। मैं तो एक एक मतलब गुरु जी को ऐसे करके पीछे पीछे देखते हुए आती हूँ, मतलब एक गुरु जी का जो है पहले समाधि के दर्शन होते हैं तो यू करते हुए आऊंगी, तो काफी अंकल मुझे बोलते भी बेटा आगे देख लो, तो मैं कहती नहीं मैं पूरा देख के जाऊंगी अपने गुरु पापा को, मैं यहीं रह जाऊंगी मेरा मन करे तो, सच में मेरा मन करता है। तो जब लंगर का टाइम हुआ चाय प्रसाद का, तो चाय प्रसाद हॉल में हो रहा था, गुरु जी के जो लंगर हॉल है वहां पे भी गुरु जी ने मुझे फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिया अपने लंगर हॉल में ड्रीम में। तो कल ऐसा हुआ, मेरा बड़ा मन था, तो मैं मन में ना बड़ा बोले जा रही अमृत वेला करने के लिए, उठाने आए थे, फिर अमृत वेला करते हुए जब मंत्र जाप चल रहा था फिर भी आए थे। हाँ जी आंटी जी, आपके ड्रीम में भी आए, और एक बार मेरे ड्रीम में तो मेरे भाई गुरु जी महाराज बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, ऐसे वहां पकड़ के उठाते हैं जब उनको करवानी होती है ना सेवा अमृत वेले की, तो ऐसे करके बस एक बार बोलना है गुरु जी अमृत वेला उठा देना, गुरु जी ऐसे वहां पकड़ के आपको ऐसे ऐसे करके जगाएंगे, चल शुरू हो जाए आपको, आपको कब दर्शन होंगे गुरु जी को, गुरु जी के जल्दी होंगे, बहुत जल्दी होंगे संगत जी, बहुत जल्दी होंगे, हैव पेशेंस, गुरु जी पे बस विश्वास रखो, सबर रखो, गुरु जी यही कहते थे जल्दी आएंगे गुरु जी। और फिर हम जब हम चाय प्रसाद के लिए कल ऊपर गए ना, ऊपर वाले लंगर हॉल में, दो लंगर हॉल है, एक नीचे एक ऊपर, तो हमें ऊपर भेज दिया अंकल ने, तो मेरे अंकल और मैं बैठ गए, तो मेरे अंकल ने ना, मैंने तो क्योंकि गुरु जी के वचन पे चलती हूँ भाई, मैं भी चलती हूँ और आपको भी चलना है, चलना भी चाहिए है ना, गुरु जी के वचन पे चलना चाहिए। तो गुरु जी क्या कहते हैं कि जब भी लंगर प्रसाद करो, चाय प्रसाद करो, मंदिर के अंदर करो, क्योंकि अंदर करोगे तो वो दवाई है और बाहर घर लेके आओगे तो वो मिठाई है ना। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो भाई मुझे तो करना था, मैं तो फटाफट गुरु जी को देखने के लिए, और जो आपने देखा लंगर हॉल में क्या हुआ है, लंगर हॉल में सॉरी गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं दीवारों पे, बीच बीच में ब्रेक लेके स्वरूप लगे हुए हैं, काफी बिग बिग है ना, अलग अलग मतलब गुरु जी के पोजेज में स्वरूप लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
तो मैं उन्हीं को देखती रहती हूँ, लंगर में भी बैठती हूँ, लंगर धीरे धीरे करती हूँ, जानबूझ के मैं स्वरूप पे देखती हूँ। मेरा बड़ा मन करता है क्योंकि अंकल तो उठा देंगे जल्दी से, लंगर कर लूंगी तो और भी संगत को बैठना है और खाना है, तो मैं बड़ी चंचल हूँ। मेरे को तो मेरे पापा ही चाहिए बस, कुछ नहीं चाहिए मुझे जीवन में, खाना मत दो मेरे पापा दे दो मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, पानी भी नहीं अच्छा लगता जब तक मैं अपने पापा का नाम नहीं लेती। तो मैं गई ऊपर चाय प्रसाद, जब आया हम बैठे चटाई पे, जब चटाई पे बैठे तो समोसा वो ब्रेड प्रसाद और चाय प्रसाद मिला, लड्डू प्रसाद भी मिला, मैंने तो फटाफट कर लिया क्योंकि अंकल जो थे ना वहाँ पे एक सेवादार अंकल खड़े हुए, बड़े मोटे से थे, अच्छे से थे, बड़ा उनकी टमी बहुत ज्यादा भार थी, तो मैं गुरुजी से कह रही देखो जरा कितने फैट हैं ये अंकल, इनकी टमी अंदर कर दो तो मैं बड़ी बातें कर रही हूँ उनसे, देखो ना कितने फैट से हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उन अंकल को देख के भी, बड़े प्यारे लग रहे थे वो अंकल। तो वो अंकल घूम रहे रो में कि जो संगत का हो गया चाय प्रसाद वो जल्दी जल्दी नीचे जाए, और भी संगत को आना है और खाना है प्रसाद, और सबको वो वैसे भेज रहे थे। तो मैं बड़ा धीरे धीरे चुंगल रही थी, खा रही थी बड़े आराम से, पूरा गुरुजी को याद करते हुए, और जो मेरे अंकल बैठे पास में, अंकल गए थे साथ में, मेरे अंकल खा ही नहीं रहे थे प्रसाद, खा नहीं रहे थे। तो मैं उनको, मैंने बताऊं उनको, मैंने कहा खा लेंगे चल ठीक है, अब शुरू करेंगे। जब मैंने पूरा फिनिश कर दिया ना, मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल घर नहीं लेके जाना इसको, और आपको मैं कितनी बार बोलती हूँ यहीं करा करो आप लंगर, हमेशा आप घर ले जाते हो। तो कहते ठीक है जी मैं कर रहा हूँ, अब मैंने तो कर लिया, मुझे तो अंकल उठा देंगे, मैंने मेरा फ्रिश हो गया, उनको करना था, करने में भी 10 मिनट्स तो लगेंगे ना आराम से, ब्रेड को भी खाने में। तो मैंने पता क्या करा, मैंने कहा गुरु पापा मैं काम करती हूँ, अंकल तो मुझे उठा देंगे यहाँ से, नीचे भेज देंगे और फिर नीचे मैं वेट करूंगी, कहाँ करूंगी, वेट भी नहीं करने देते हैं। मैं उठी वहां से और अंकल को देखा, मैंने कहा अंकल तो मुझे नहीं देख रहे जल्दी से, मैं ऐसा करती हूँ मैं ना 3 टाइम्स आपके पास आती हूँ, चक्कर लगाती हूँ वहां तक, वॉल तक आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। जहां वॉल पे गुरु जी का स्वरूप लगा था ना, और बैठे हम इतनी दूर थे, वॉक डिस्टेंस इतना था, मतलब आप देख लो 5 सेकेंड का तो वॉक डिस्टेंस होगा ही, इतना तो चलना ही था वॉल तक जहाँ पे गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो मैंने कहा मैं अंकल को देख रही, अंकल भी उसी रो में और हम भी उसी रो में, मैं उठ गई वहां से, मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ आप करो, इतने में गुरु पापा से बातें करी होती हूँ, उनके पास जाके ना उनको देख आती हूँ। तो मैंने 3 बार चक्कर लगाया संगत जी, एक बार गई फिर आई फिर गई फिर आई फिर गई, लेकिन अंकल ने मुझे देखा नहीं, अंकल ने मुझे टोका नहीं, क्योंकि मैंने गुरु पापा को बोला था, मैंने कहा पापा मैं आपसे मिलके जाऊंगी, पास में आने दो प्लीज, थोड़ा सा आने दो पास से देखूंगी। इतनी चाहत होती है ना गुरु जी को देखने की, ऐसे हमारे गुरु जी इतने सुंदर रूप है। तो मैं आपको बता रही थी जय गुरुजी, जैसे गुरुजी करवाएंगे सत्संग, अभी तो काफी टाइम है। तो गुरुजी की बेटी, गुरुजी की बेटी, मेरे गुरुजी ने नाम रखा, मेरा नाम रखा कैसे रखा, मैंने तो पापा बोला था उनको शुरू से, तो उन्होंने तो बेटी बोलना ही था, और सारी बेटियां ही होती है। गुरुजी कहते हैं मैं अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करता हूँ, बेटों से ज्यादा बेटी को करता हूँ, और सच में करते हैं, बेटियों से तो बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी से रिलेशन बनाना चाहिए, गुरुजी से पापा का रिलेशन बना लो आप, भाई का बनाओ, भाई हस्बैंड का बनाओ, जैसा भी बनाओ प्यार करो, उनसे डरना नहीं है, भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्यार करना है श्रद्धा भाव से, और आपके पास सारी खुशियां खुद आ जाती चल के, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैंने भाई पापा बोला उनको बेटी बनाना था, उन्होंने बोला आके तो पंजाबी में, पंजाबी मुझे नहीं आती सास संगत जी, तो माफी चाहती हूँ गुरु पापा आपको पता है। तो उन्होंने बोला मुझे कि अब तो तू गुरु जी की बेटी के नाम से सेवा करेगी, और इसी नाम से तुझे तो अपनी आईडी बनानी है सोशल मीडिया पे, इसी नाम से तुझे अपनी शिव पुराण पढ़नी है, इसी नाम से तुझे दिव्याभा पढ़नी है, इसी नाम से तुझे सत्संग करनी है, मतलब सेवा तुझे इसी के नाम से करनी है, गुरु जी की बेटी तो मेरी बेटी है, तो गुरु जी की बेटी के नाम से ही सेवा करेगी। ऐसा मुझे अंकल ने बुलवाया, गुरुजी ने एक अंकल से बुलवाया, कौन अंकल से, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सेवा दी थी, गुरुजी के ब्लेस्ड सेवादार, उन अंकल की एज 65 अबव है, वो शुरू से बापा की सेवा करते आ रहे हैं, दिन रात सेवाओं में लगते हैं वो, 24 घंटे में 4 घंटे सोते हैं वो, बस मालिक ने इतना प्यारा उनको ब्लेस किया हुआ है। तो उन अंकल का मेरे पास कॉल आता है, देखो कितने बड़े हैं वो, 65 से अबव की एज है उनकी, आप पता है जितने जैसे गुरु जी थे उसी एज के वो अंकल भी हैं। तो उन अंकल का मेरे पास सडनली, एक सेवादार अंकल है बड़े मंदिर के, उन्होंने मेरा नंबर लिया अपने आप अमृत वेला वाले ग्रुप से, फिर उन्होंने वो नंबर उन अंकल को दिया, उनका कॉल आया मेरे पास,
कि आप महिमा आंटी बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहते आपकी एज कितनी है? मैंने कहा 19 है अंकल। तब मेरी 19 थी जब मुझे गुरुजी ने सेवा दी थी, 19 एज थी, 20 में मैं चल रही थी, 20 की होने वाली थी। तो कहते अच्छा अब तो आप बहुत छोटे हो, सेवा कर लोगे गुरुजी की? मैंने कहा हाँ जी मैं कर लूंगी, आप मुझे तो बताओ बड़े मंदिर में मुझे सेवा मिलेगी? कहते नहीं नहीं बड़े मंदिर में नहीं मिलेगी, आपको अपने घर में सेवा करनी है महाराज की। और मेरा क्या था, मैं तो बड़े मंदिर जाऊंगी सेवा करूंगी और एक दिन ऐसा आएगा गुरु पापा वहां पे भी बुलाएंगे। हाँ जी बिल्कुल जय गुरु जी। तो अंकल ने बोला आप उसको घर में सेवा करनी। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो अंकल ने बोला आप शिव पुराण पढ़ोगे? शिव पुराण है आपके पास? मैंने कहा हाँ जी मेरी मम्मा पढ़ती हैं, पाठ करती हैं शिव पुराण का। शिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए थी संगत जी, गुरु जी बोल के गए हैं हमारे 90% कर्म कट जाएंगे जिस दिन हमने शिव पुराण पढ़ ली पूरी। जरूर पढ़ो, अगर आप पूरा एक जो है अध्याय नहीं पढ़ सकते तो एक पेज पढ़ो, एक पेज नहीं पढ़ सकते तो हाफ पेज पढ़ो, हाफ भी नहीं पढ़ सकते तो चार लाइन पढ़ो, रोज निशान लगा लो यहां तक पढ़ा है, लेकिन पढ़ो जरूर। चाहे आप दिन में पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, चाहे कितने भी बजे पढ़ो, नो मैटर, लेकिन जरूर समय निकालना संगत जी आप भी शिव पुराण पढ़ने का। कोई भी लैंग्वेज में पढ़ो, पंजाबी हिंदी मराठी जो आपको सुटेबल लगे, लेकिन जरूर पढ़नी चाहिए, गुरु जी बोल के गए हैं। तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मैं अपनी मम्मा को बोल रही, मैंने कहा अब तो गुरुजी का मैंने दरबार भी नहीं लगाया था उस टाइम तक, सिर्फ पापा बोला था, क्योंकि पापा तो वॉल पे हमारे गुरुजी के स्वरूप काफी सारे लगे हुए हैं घर में, तो मैं वहीं पे अमृत वेला करती थी जमीन पे बैठ के, बस पापा को ऐसे करके देखती रहती थी, अमृत वेला करती रहती थी। लेकिन ये गद्दी मैंने गुरुजी की जो है यहाँ पर गुरुजी को नहीं बिठाया था अभी तक, लेकिन जिस दिन मुझे सेवा मिली मैंने ये गद्दी लगाई, ये बिठाया यहाँ पे, गुरुजी को बिठाया, गुरुजी आए तो मैं बड़ी खुश। मैंने कहा मम्मा सो शिव पुराण की सेवा मिली है, और अंकल ने मुझे बोला आप तो बड़े छोटे हो बेटा सेवा कर लोगे ना? मैंने कहा हाँ जी, वो तो गुरुजी ने करवानी थी। कहते हैं कि सभी मतलब बड़े हैं, कोई हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो, वहाँ पे ओल्ड संगत भी है। और वो उषा सिंह आंटी जी जिनको गुरुजी ने वचन बोला था गुरुजी को वेट नहीं कराना चाहिए था, वो आंटी भी थी वहाँ पे उसी में हमारे ग्रुप में जहाँ पे हमने सेवा करी थी। दीदी शादी करनी जरूरी है क्या? मगर गुरुजी को बहुत पसंद है कपल को ब्लेस करने का। हाँ जी गुरुजी ने बोला हुआ है ये, पता है आपको, अगर गुरुजी शादी ब्लेस करते हैं ना तो गुरुजी बोल के गए हैं ये वर्ड, अगर गुरुजी कोई भी शादी ब्लेस करते हैं, कोई रिश्ता करवाते हैं गुरुजी खुद से, क्योंकि पहले भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस कराया जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, अब अभी भी वो ओमनी प्रेजेंट है और अभी भी करते हैं, हमारा भी रिश्ता कराया गुरुजी ने, वो गुरुजी ने करवाया, हम नहीं जानते थे एक दूसरे से, वो भी संगत सेवादार में थे, मैं भी संगत सेवादार में थी, तो करनी भी चाहिए, जब गुरुजी करवाते तो करनी चाहिए, वो गुरुजी की मर्जी से होता है, बस गुरुजी पे छोड़ दो, अपना दिमाग चलाना छोड़ दो, जो गुरुजी जब कराएंगे परफेक्ट टाइमिंग पे तब। तो मैं आपको बता रही थी, तो अंकल ने बोला आप सेवा कर लेना, ठीक है कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना, मेरे से ये बड़ी संगत है सब और आप ही सबसे छोटे हो, लेकिन आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला डे ब्लेस, देखो गुरुजी पल पल ब्लेस करते हैं गुरुजी, देखो आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, कोई भी दिन होगा ना, अगर आज सत्संग करना, देखो गीत गोगे आंटी जी को मैंने क्या बोला था, आंटी जी मैं अब कल भी मैं सेवा में हूँ, परसों भी मैं सेवा में हूँ, और गुरुजी को आज कराना था सत्संग, लेकिन गुरुजी ने आज भेजा मुझे, है ना प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि गुरुजी जानते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ, मेरी सेवा थर्सडे की हुई, थर्सडे गुरुजी ने ब्लेस किया, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार, और जो गुरुजी थ्री टाइम्स बोल देते ना सात संगत जी, वो रियलिटी होना होना है, वो तो वो जरूर होगा आपके साथ, अगर गुरुजी ने एक ही बात तीन बार अगर आपको बोली है तो। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, एक ब्लेसिंग नहीं है गुरुजी की, ये वाली ब्लेसिंग बहुत सारी है मेरे पास, थ्री टाइम्स गुरुजी ने बहुत सारी चीजें मुझे आंसर दिए हैं, ब्लेसिंग दी है। तो उस टाइम भी गुरुजी ने थ्री टाइम्स मुझे बोला कि थर्सडे सेवा है, और अंकल का जब इनवाइट आया कि आपको थर्सडे शिव पुराण पढ़नी है, तो आई एम शॉक्ड, मैं अच्छा गुरुजी आपने इसलिए मुझे थर्सडे तीन बार बोला था, आज सेवा है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सेवा करी यहाँ पे बैठ, मतलब सेवा करी नहीं थी जब स्टार्ट करी थी, तो अंकल का कॉल आया था मेरे पास थर्सडे की मॉर्निंग में, तो अंकल ने बोला कि वहां पे आपको हम क्रिएटर बना देंगे और वहां पे आपको लाइव आके सेवा करनी है। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं अंकल पूछने लग गए कि बेटा आपकी आईडी है फेसबुक पे, फेसबुक पे लाइव सेवा करनी है, एफबी पे करनी है,
तो मैंने कहा नहीं अंकल जी, जय गुरु जी, हाँ जी प्यार गुरु जी का। तो मैंने कहा नहीं अंकल जी, मेरी तो कोई आईडी नहीं है, मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती हूँ। तब तक मुझे पर्सनली फोन भी नहीं मिला था सत्संग जी, मेरी मम्मा का फोन मैं यूज करती थी, कॉलेज जाती थी, फर्स्ट ईयर था मेरा, 19 की एज थी, 2 साल पहले की बता रही मैं आपको, जब महाराज ने मुझे फर्स्ट टाइम सेवा बख्शी थी। तो मैंने कहा अंकल मेरी तो है नहीं आईडी, मैं तो सोशल मीडिया से। अंकल बड़े शॉक्ड हुआ, अंकल कह रहे आज के टाइम में बच्चा सोशल मीडिया नहीं चलाता। मैंने कहा सच्ची अंकल मैं नहीं चलाती, मेरी आदत ही नहीं है। कहते लेकिन अब चलाना है, ठीक है फ्रैंक होना और गुरुजी की सेवा भी आपको एफबी पे करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं आपको सेवा गुरुजी की बेटी के नाम से ही करनी है। मैंने कहा जी ठीक है। देखो उस दिन का दिन और आज का दिन, किसने बुलवाया ये, किसने करवाया, महाराज की सेवा थी, महाराज ने करवानी थी, महाशिव ने, ब्रह्मांड के पिता ने हमारे, और उन्होंने मेरा नाम रखवा दिया गुरु जी की बेटी के नाम से। आपको आईडी बनानी है और आगे आप इसी के इन्हीं के नाम से सेवा करते रहोगे। मैंने कहा ठीक। फिर गुरुजी ने ये भी बुलवाया तो सेवा तब भी करेगी जब तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे। वो तब बुलवाया पता है कब गुरुजी ने, हाँ जी वो तब बुलवाया जब मैं चींटी की तरह पीछे पड़ गई गुरुजी के। एक होता ना मीठा पड़ा है और चींटियां उस पर चिपक जाती हैं, बस गुरु पापा को मीठा समझ लो, मैं तो गुरु पापा पे चिपक ही गई। मैंने कहा नहीं मुझे तो सेवा करनी है, मुझे तो सेवा करनी है, मुझे कभी भी दे दो सेवा, मुझे तो, मैं इतनी दीवानी हूँ, इतनी मसानी हूँ गुरु जी की, इतने प्रेम करती हूँ मैं अपने मालिक से, इतना प्यार करती हूँ मैं अपने पापा से, मेरे पापा हैं वो, पापा से बढ़कर क्या रिश्ता होगा माँ बाप से बढ़कर, जन्म के दाता ये हैं, जीवन के दाता ये हैं और हर चीज के दाता मेरे यही हैं, बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा ठीक है पापा। गुरु जी की झल्ली, अरे वाह जय गुरु जी, मुझे लगता है आ गए अंकल। जय गुरु जी। अभी आपको पता है गुरु जी की झल्ली, अभी अभी आपको मिरिकल बताती हूँ मैं, आंटी ने मुझे गुरु जी की झल्ली क्यों बोला है। अच्छा यहाँ पे सुनील अंकल आए हैं, सुनील बंसल अंकल नहीं आए ना, मे भी शायद कोई मुझे बताओ आए हैं या नहीं आया, फिर मैं बताती हूँ गुरु जी की झल्ली किसने बोला है मुझे। आंटी ने नहीं बोला, गुरु जी ने बोला है। अब मैं बताती हूँ आए हैं अंकल सुनील अंकल जी, कोई मुझे बताओ सुनील अंकल जी अगर लाइव में है तो। सुनील बंसल अंकल जी नहीं है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शायद आंटी की बात हुई होगी या तो उनसे, नहीं हुई आंटी जी अभी बात आपकी, नहीं हुई होगी। देखो ये महाराज की देखो जरा कितनी कृपा है। हाँ गुरु पापा ने नया नाम रख दिया मेरा गुरु जी की झल्ली। अभी पता क्या हुआ, अभी जस्ट 40 मिनट्स हुए होंगे, 40 तो अभी हमें हो गए होंगे, हाँ 45 मिनट्स हो गए सत्संग में, नहीं हुई देखो। अरे वाह वाह मेरे पापा। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, अभी अभी गुरु जी की झल्ली जो है चमत्कार, क्या हुआ ये नाम अभी अभी गुरु जी ने रखा था मेरा। अभी 45 मिनट हमें सत्संग में हुए हैं, 45 मिनट से पहले मतलब आप मान लो 15 मिनट पहले सुनील बंसल अंकल जी का मेरे पास कॉल आया, कहते आज तो सेवा है आपकी, गीत गोगे आंटी जी ने आपको इनवाइट भेजा है गुरु जी की तरफ से और आपका तो उनके प्लेटफॉर्म पे सेवा है। मैंने कहा हाँ जी। कहते हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आप 9 तारीख को आते हो। मैंने कहा नहीं अंकल 9 तारीख को नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा ऑफिस का वर्क शुरू हुआ है अभी, आप मेरा 15 तारीख के बाद रखो। कहते ठीक है। तो मैंने कहा देखो मैं गुरु जी की बहुत दीवानी हूँ, हमारा गुरु जी का जो है टॉपिक शुरू हो गया सत्संग का, अंकल बातें करने लग गए, वो कहते मुझे पापा बोले कर। मैंने कहा पापा ही हो मेरे, सारे पापा हो मेरे, गुरु जी का रूप सब में है, मैंने पापा। तो उन्होंने सडनली एक आंटी से बात कराई, जिनकी किसी संगत के घर बैठे थे वो, तो एकदम से उनको फोन दे दिया, मुझे नहीं पता किसको दिया, मुझे लगा कि अपनी उन्होंने वाइफ को दिया, आंटी को दिया। तो मैंने उनको बोला हाँ जी जय गुरु जी मम्मी। तो कहते नहीं, उन्होंने मुझे बड़ी खुश हुई मम्मी का बेटा करके उन्होंने बात कर ली। तो जब उन्होंने वापिस सुनील अंकल ने भी फोन लिया ना लाइन पे से, तो उन्होंने मुझसे बोला कहते वो कहते कि ये मम्मी नहीं है ये तो आंटी है, मम्मी नहीं है कोई बात नहीं ऐसी गलती हो जाती है। और वो तो कहती है मेरे, अब वो आंटी भी कह रही है तो मुझे मम्मी ही बोलेगी, गुरुजी कितनी प्यारी बेटी है अब तो मम्मी बोलेगी। तो अंकल बड़ी जोर से हंसे, अंकल कह रहे हाँ जी देखो मुझे भी पापा बोलती है और आपको भी मम्मी बोलेगी, अभी देखो गुरुजी की झल्ली, गुरुजी से बड़ा प्यार करती है। उन्होंने मेरे को अभी भी बोला कहते गुरुजी ने ना तेरा नाम रखा है वे भी गुरुजी की झल्ली, सडनली उनके मुंह से निकला ये, कहते अब तो तुझे गुरुजी की झल्ली बोलेंगे सब। और उन्होंने पता क्या गीत गो गया आंटी जी का नाम लिया, ये बोलते ही कहते अभी आंटी भी बोलेंगी तेरे को, देखियो सत्संग के अंदर गुरुजी की झल्ली। और देखो आंटी ने बोल दिया मुझे गुरुजी की झल्ली, किसने बुलवाया है ये गुरु बाबा ने बुलवाया है, कैसे है ना हमारे गुरु बाबा, कितने प्यारे हैं, कितने जल्दी सुनते हैं।
और देखो एक और नाम रख दिया मेरा, गुरु जी की झल्ली। कहते अब तो हम तेरा इनवाइट भी गुरु जी की झल्ली के नाम से बनाएंगे। गुरु जी की बेटी तो तू है, अब गुरु जी की झल्ली भी है। और गीत गोगिया आंटी तेरे को अभी भी गुरु जी की झल्ली बोलेंगी, देखिए तू सत्संग में। मैंने कहा अच्छा जी, आप उनको बताओगे तो वो जरूर बोलेंगी। और देखो बिन बताए आंटी ने ना बात करी है, ना अंकल अभी सत्संग में आए हैं, और देखो आंटी ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया गुरु जी की झल्ली। ये गुरु जी ने बोला है, सही में झल्ली हूँ मैं गुरु जी की। ऐसे हमारे गुरु जी कितने प्यारे, लव यू मेरे पापा, लव यू सो मच, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, थैंक यू गुरु जी। तो गुरु जी ने मुझे अपना नाम दे दिया गुरु जी की बेटी, अब झल्ली वाला नाम भी दे दिया गुरु जी की झल्ली, बिल्कुल बोल सकते हो जय गुरु जी। उसके बाद अमृत वेला शुरू हुआ, धीरे धीरे गुरु जी ने दिव्याभा की सेवा दी, गुरु जी की कमली, वाओ जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, बहुत सुंदर आंटी, बहुत सुंदर, शुक्राना मालिक का। तो गुरु जी ने फिर धीरे धीरे मुझे ड्रीम में दर्शन देने शुरू किए, बहुत सारे दर्शन दिए, बहुत सारी ब्लेसिंग दी आज जो गुरु जी बुलवाए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ गुरु जी ने दिव्याभा की सेवा दी। देखो गुरु जी पल पल ब्लेस करते हैं, गुरु जी को पता कौन से दिन कौन सी सेवा करानी है, कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कौन से दिन कौन सा सत्संग कराना है और कब सत्संग करवाना है। गुरु जी ने हर पल मुझे दिया, बहुत सारे सत्संग है, हर पल दिया। तो ऐसे हमारे गुरु जी धीरे धीरे, जब आंटी दिव्याभा भी, आंटी जी का क्वेश्चन था, कोई आंटी जी क्या पूछ रहे थे आप दिव्याभा के लिए, मैं बताती हूँ गुरु जी ने बोला है बताने के लिए, तो मैं बताती हूँ जो गुरु जी ने सिखाया है कि दिव्याभा क्या होती है। दिव्याभा में गुरु जी की सत्संग है आंटी जी, गुरु जी की सत्संग है, ब्लेस्ड सत्संग, वो सत्संग जो गुरु जी ने सभी संगत को दिए हैं अपने टाइम में, फिजिकल टाइम में। दिव्याभा बहुत मुश्किल है मिलना अंकल जी, संगत जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिव्याभा जल्दी मिलती नहीं है, बड़े मंदिर से आती है। मेरे पास तो बड़े मंदिर से आई थी मेरे महाराज के, बाकी अगर अरेंज करानी है मैं आपको अरेंज करा के दूंगी, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना महाराज की सेवा में, ठीक है जय गुरु जी। तो गुरु जी ने दिव्याभा की सेवा दी, दिव्याभा में संगत जी आप पूछ रहे थे, एक आंटी पूछ रही थी अभी दिव्याभा क्या होती है, जय गुरु जी। हाँ जी दिव्याभा भी पढ़नी चाहिए, बिल्कुल शुक्राना मालिक। तो दिव्याभा में गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग होते हैं जो गुरु जी ने अपने फिजिकल टाइम में संगत को दी, जैसे आज मुझे दिए, आपको दिए सत्संग, ऐसे गुरु जी ने उस टाइम में फिजिकल फॉर्म में बोला था सत्संग दिए थे, जो चमत्कार है, मिरेकल है गुरु जी की, जो ब्लेसिंग है वो गुरु जी कहते थे संगत को, जिस संगत को कहते थे ना गुरु जी लिखना है तो वो लिखना है, तो वो जो लिखे हुए सत्संग है वो दिव्याभा में लिखे गए हैं सारे। हाँ जी आंटी एक बार आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं जरूर दिलवा दूंगी आपको जैसे गुरु जी के आ गया। तो उसमें सत्संग है, असंगत पूछ रहे थे मैंने बताया, उसमें गुरु जी के सत्संग है, और वो सत्संग जो ओल्ड संगत के सत्संग है, और उसमें गुरु जी ने बहुत ब्लेस किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग है और बहुत सारे, और आज भी गुरु जी बोलते हैं कई संगत को, आज भी टेलीपैथी गुरु जी ने उषा सिंह आंटी जी को भी बोला, भी उनकी भी बुक आएगी सत्संग की, तो अब वो भी जरूर पढ़ना। नरेंद्र धन अंकल जी की भी बुक आई थी अभी, उन्होंने करा है उस, उनकी भी सेवा मुझे दी गुरु जी ने, नरेंद्र धन अंकल जी की सेवा भी मैं करती हूँ, बुक है मेरे पास उनकी भी, बड़ी सुंदर सत्संग है उसमें, बड़े सुंदर सत्संग है। तो ऐसे गुरु जी महाराज सेवा देते रहते हैं, और ऐसे धीरे धीरे गुरु जी ने बहुत सेवा दी, लाज रखी मेरी। देखो पापा है तो लाज भी रखेंगे, कृपा भी करेंगे, मालिक है, पल पल साथ रहते हैं। एक बार मुझे सेवा मिली लाइव गुरु जी का, उस टाइम कोई फंक्शन था, बिग फंक्शन था, क्या था गुरु पापा जी, मुझे ना रिमाइंड नहीं हो रहा, मे भी शायद शिवरात्रि थी, कोई फंक्शन था, सॉरी गुरु पापा भूल चुक माफ, कोई फंक्शन था, तो गुरु जी ने उस दिन मुझे लाइव सेवा दी जूम प्लेटफॉर्म पे। गुरु जी की जीवनी पढ़नी है, गुरु जी की जीवनी भी जरूर पढ़ना आप एक दिन, बायोग्राफी, गुरु जी बायोग्राफी, गुरु जी की जीवनी है मेरे पास। तो मैंने, मुझे सेवा मिली अंकल की, वो जीवनी बहुत कम लोग मतलब रीड कर पाते हैं, तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। उस जीवनी में गुरु जी की पूरी जीवनी लिखी है, जो उनकी मम्मी ने लिखा है गुरु जी की, और गुरु जी के पापा ने लिखा है, सब कुछ लिखा हो गुरु जी की जीवनी में, गुरु जी क्या, गुरु जी ने क्या पढ़ा, कब पढ़ा, कब बड़े हुए गुरु जी, और गुरु जी क्या बोल के गए हैं, गुरु जी को मानने के लिए हमें क्या करना है, वो सब लिखा है गुरु जी की जीवनी में। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी, शॉर्ट है, बहुत 6 to 7 पेजेस की है, बहुत सुंदर है, बहुत डिवाइन है। तो फर्स्ट टाइम मुझे सेवा मिली, और उस दिन सत्संग भी था प्लेटफॉर्म पे,
मोनिका मलोटिया आंटी है जिनका जिन्होंने जिनको गुरुजी ने पेज ब्लेस किया हुआ है, उनको भी पेज का नाम नहीं याद आ रहा मुझे भी शायद अभी, तो उनके प्लेटफॉर्म पे मेरी सेवा थी। और उसी दिन जब जब सेवा थी उसी दिन बायोग्राफी की सेवा थी, और बायोग्राफी की सेवा के लिए अंकल ने मुझे एक हफ्ते पहले बोला था, उन्हीं अंकल ने जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सेवा शिवपुराण के लिए दी थी। और होती है रात के टाइम 9 बजे सेवा थी वहां पे, 8 बजे सेवा थी उस दिन, जल्दी थी, 8 बजे सेवा थी। और जो मोनिका मलोटिया आंटी, उन्होंने मुझे सत्संग के लिए, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आंटी मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, जीवनी जरूर पढ़ना आप। तो उन मोनिका मलोटिया आंटी जी ने मुझे बोला कि आपको 7 बजे सत्संग का इनवाइट है। मैंने कहा ठीक है, उस टाइम में जॉब मेरी जो थी फिक्स नहीं थी, तो मैंने कहा चलो उस टाइम मैं कर लूंगी, ठीक है। मैंने करा सत्संग और 8 बजे मुझे फिनिश करना था। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि 1 घंटे से ज्यादा सत्संग हो जाता है, गुरुजी करवा देते हैं, वो गुरुजी को पता है कितने तक करवाना है, कितने टाइम करवाना है ना, तो गुरुजी करवा देते हैं। तो उस टाइम मेरी वो फिक्स टाइम था कि मुझे बायोग्राफी पढ़नी है लाइव आकर, और मैंने आज तक बायोग्राफी पढ़ी नहीं। एक होता है ना जैसे हमने ये चीज पढ़ी है शिव पुराण, हम कोई गलती तो नहीं करेंगे, अब पता नहीं बायोग्राफी में कोई हार्ड वर्ड तो नहीं है गुरुजी, मैं अटक तो नहीं जाऊंगी गुरुजी लाइव आके, तो एक डर सा, मैं बच्ची हूँ तो डर हो रहा है। मैं आपको ये मतलब पिछले साल की बात बता रही हूँ, पिछले साल की बात है ये, जब मैं 20 की थी, अब मैं 21 की हो चुकी हूँ अगस्त में, तो जब मेरा सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया था, थर्ड ईयर है मेरा, अब मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है, तो थर्ड ईयर मेरा चल रहा था उस टाइम जब आंटी ने मुझे सेवा दी थी, काफी टाइम हो गया, 6 to 7 months हो गए इस बात को। तो गुरुजी मेहर करो, हाँ जी गुरुजी मेहर करो, उन उस वाले पेज पे थी, बिल्कुल गुरुजी के डिवाइन पेज पे थी। तो मैंने कहा मुझे सत्संग फिनिश करना है, और पता है गुरुजी ने क्या करा, मैंने कहा गुरुजी जल्दी जल्दी सत्संग फिनिश करवा देना, ताकि मेरी जो सेवा है उन अंकल ने तो एक हफ्ते से दी हुई है, तो मुझे वहां पे भी जाना जरूरी है, और मैंने तो बायोग्राफी पढ़ी भी नहीं, कोई गलती ना कर दूं मैं, और उन अंकल से मैं बहुत डरती हूँ, अंकल से डर क्या रिस्पेक्ट है, अभी भी मेरे से कोई गलती हो जाएगी ना तो मैं 10 बार माफी मांगूंगी, गुरुजी मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी सत्संग में, हाय गीत गोगे आंटी जी मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, वरुण अंकल जी मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, मतलब डर लगता है मन में, हाय कंचन जी मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तो मतलब एक होता है ना डर हो जाता है, रिस्पेक्ट होती है वो वाला डर नहीं, रिस्पेक्ट वाली डर कि कोई गलती ना हो जाए, बड़ों से सॉरी पहले ही बोल दो, गुरुजी सिखाते हैं। तो मैंने कहा गुरु पापा अब आपको मेरी लाज रखनी है, और ना आप ऐसा करना जैसे जब मेरी बारी आएगी ना फर्स्ट मुझे ही पढ़नी है, और एक बार में 2 संगत पढ़ती है लाइव, तो पहला मेरे को पढ़ना है हिंदी में और इंग्लिश में, सेकंड वाली आंटी को पढ़ना है। तो मैंने कहा 9 बजे बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी वो सेवा, और अंकल गुस्सा करेंगे अगर मैं लेट गई तो, फटाफट से ना फिनिश करा देना, सॉरी 8 बजे बिल्कुल 1 घंटे में सत्संग। और देखो मेरा सत्संग हमेशा ज्यादा जाता है, 1 घंटे से हमेशा ऊपर हो जाता है टाइम, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ गुरु पापा को बोलती गई डर डर के, मैंने कहा गुरु पापा ना मैंने बायोग्राफी रीड करी है, एक तो कोई गलती ना हो जाए और सत्संग फिनिश करा देना। गुरुजी ने आप बिलीव नहीं करोगे 1 मिनट पहले, 8 बजने में सिर्फ 1 मिनट था, सत्संग भी फिनिश हो गया, मैंने ज्वाइन भी कर लिया, और मैंने इतनी अच्छी रीडिंग भी कर ली गुरुजी की कृपा से, इतने अच्छे से पढ़ लिया। वो शिवपुराण कहाँ मिलेगी आंटी, शिवपुराण के तो काफी लिंक्स हैं, और एक आंटी भी है मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दूंगी, आप मुझे पर्सनली सब जो है जिनको जो नीड है मुझे पर्सनली मैसेज कर देना मैसेंजर पे, ठीक है। जय गुरुजी। गुरुजी बुलवाते हम नहीं बोल सकते, हाँ जी आपको पता है वो गुरुजी ने खुद रीड कर ली, इतनी फास्ट रीड करी, जो टाइम लिमिट होती है मतलब 15 मिनट में वो पूरी रीड भी करनी थी, और मैं कहीं पे अटकी भी नहीं, और उसमें 1-2 वर्ड्स कुछ हार्ड भी थे, और मैं सोच रही थी हाय गुरुजी मैंने कैसे पढ़ लिया, मैं अटकी भी नहीं, मतलब एक होता है ना अंकल का फिर कॉल आया, कह रहा है मेरी बिटिया रानी ने तो बहुत अच्छी रीडिंग करी है, बहुत अच्छी सेवा करी है गुरुजी की, गुरुजी बिटिया को बहुत ब्लेस करें, बहुत सुंदर। और आपको पता है आज गुरुजी ने बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी है मुझे, लेकिन गुरुजी ने आज बताने के लिए मना किया, तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, है ना गुरु बाबा। गुरुजी ने भी मना किया है मुझे कि आज नहीं बतानी है वो ब्लेसिंग तब बतानी है जब गुरुजी बोलेंगे, तो आज ही दी है तो आज नहीं बता सकती मैं, वो जब सत्संग पूरा हो जाएगा ना, गुरुजी कहते थे सत्संग पूरा होने दो उसके बाद बताओ, तो वो अभी हाफ है, अभी स्टार्टिंग है, जिस दिन वो पूरा होगा उस दिन बताऊंगी, बहुत बिग ब्लेसिंग दी है आज तो, बहुत बिग। तो ये है मेरी गुरुजी के साथ जर्नी, जो आज गुरुजी ने जो जो सत्संग करवाया, जो जो बुलवाया गुरुजी के चरणों में, अगर कोई गलती हो गई हो सत्संगत जी तो मैं माफी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वरुण भैया, यू आर द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच गीत गोगे आंटी इतना सुंदर मौका देने के लिए। आंटी जी अमृत वेला क्यों नहीं कर रहे, उठाते हैं नींद खुलती है बट नींद आ जाती है। हाँ मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि गुरुजी मना करते थे अमृत वेले के लिए। मैं बताती हूँ, देखो मैं करती थी अमृत वेला, मैंने एक साल करा, मेरे को बड़ा मन होता था और मैं दोबारा से मांग रही हूँ बड़े दिन से गुरुजी से। ये गुरुजी की अपनी परफेक्ट टाइमिंग है। गुरुजी अमृत वेला करने के लिए मना इसलिए करते थे, गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में आंटी को मना किया था, क्योंकि एक तो गुरुजी जो संगत रखते थे ना अपने टाइम में जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, क्योंकि गुरु पापा मना इसलिए करते थे क्योंकि संगत वो करते थे रात के ढाई ढाई तीन तीन बजे तक, और अमृत वेला कब से शुरू हो जाता है, 12 बजे से शुरू हो जाता है। तो मेरे पापा मना करते थे, मतलब गुरुजी महाराज मना करते थे कोई भी अमृत वेला नहीं करेगा क्योंकि संगत ढाई तीन बजे तक होती थी। बट अभी तो गुरुजी है नहीं, हम जा नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना है। देखो वो पर्सन कर सकता है जो घर में फ्री है, गुरुजी ये नहीं कहते, जो जॉब कर रहा है, देखो फैमिली को भी देखनी, जॉब भी देखनी, कोई बंदा नहीं उठ सकता रात को, कोई उठ भी सकता है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। मालिक ने ये नहीं बोला आपको अमृत वेला करना है तो ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, नहीं। अगर अभी मना कर रहे हैं ना गुरुजी तो आप भी मत करो आंटी, क्योंकि मुझे गुरुजी ने 3 बार मना किया था और मैं चींटी की तरह लगी रहती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे इसलिए मना किया क्योंकि गुरुजी को सब पता था मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है, मेरे को जॉब भी करनी थी, मुझे घर को भी देखना था, मम्मा भी जॉब करती तो कोई नहीं होता, छोटी सी सिस्टर है मेरी, मेरे से 10 साल छोटी है, मुझे उसको भी देखना है, तो इसलिए मुझे गुरुजी ने मना किया। हाँ जी गुरुजी 24 घंटे ब्लेस करते हैं, यही तो गुरुजी ने कहा। बिल्कुल वरुण भैया थैंक यू सो मच, बहुत गुरुजी सही कहते हैं। आप कोई भी वेले गुरुजी को याद कर लो, ये आप शाम को कर लो, संध्या वेला कर लो, दिन में कर लो, मॉर्निंग में कर लो, जरूरी नहीं आप रात को उठो। हाँ किसी का मन है जिसको गुरुजी बुलवा रहे हैं उठा रहे हैं तो वो जरूर उठो, चाहे 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, जरूरी नहीं है, 1 पाठ करो, 2 पाठ करो, अमृत वेला करो, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन गुरुजी का कहना था अमृत वेला नहीं भी करोगे तो भी गुरुजी की उतनी ही ब्लेसिंग है। शुक्राना मालिक का। आई होप सभी को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग तो आंसर तो जरूर मिले होंगे, और ये गुरुजी इसलिए तो सत्संग गुरुजी कहते थे सत्संग करा करो, डरना नहीं है कि हम क्या बोलेंगे, हाय हम तो अटक जाएंगे, तो इसीलिए। हाँ बहुत डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है, मुझे तो इतना लगता है बिल्कुल आंटी जी, डर इसलिए तो लगता है क्योंकि हम प्यार करते हैं, और वो डर नहीं है वो प्यार है हमारा, और जो डरता है ना गुरुजी से वो तो बस जायश कर जायश कर जायश कर, ऐसे ही होता है। बिल्कुल मत टेंशन मत लो आप, अगर अभी गुरुजी मना कर रहे हैं ना नहीं उठा रहे तो आप मत उठो जी, गुरुजी बुलवा रहे हैं आपसे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है वो कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको जरूर देना चाहते हैं आगे आपकी, उनको पता है कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ ना कुछ होता है वो, जब गुरुजी आपको दोबारा से ब्लेस करे ना अमृत वेला तब आप करो गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग से। तो मालिक का शुक्राना, कोई गलती हो गई हो तो बच्चा समझ के माफ कर देना सास संगत जी, अपना बच्चा समझ के, बेटी समझ के, और गुरुजी गुरु पापा से तो माफी बहुत बार है, गुरुजी अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। 2 लाइनें गुरुजी के लिए हम बोल देते हैं, उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेंगे, ठीक है। तो गुरुजी के चरणों में 2 लाइनें जरूर मैं सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी के लिए गाना, ऐसी मुंह का क्या मतलब जो गुरुजी के लिए गाना सके, ऐसे हाथों का क्या मतलब जो गुरुजी के लिए बजाना सके, है ना। तो कुछ ना कुछ तो गुरुजी के लिए करना चाहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी के लिए गाना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी से जो जो प्यार करता है ना, आज गुरु पापा को बोलो, मैं गुरु पापा को बहुत बोलती हूँ गुरु पापा लव यू, सुबह सुबह मॉर्निंग होते ही गुरुजी को याद करो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरु पापा थैंक यू सो मच अपना बनाने के लिए। ये 3 वर्ड तो जरूर बोल रहे हैं आपको, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना बनाने का अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम पता है किसके बने हैं, हम महाशिव के बने हैं, हम किसके बच्चे हैं, हम महाशिव के बच्चे हैं, जिसकी किसी की औकात नहीं है, कोई हमें ले जा ही नहीं सकता। पता कल क्या हुआ, मैं ना हमेशा जाती हूँ ना बड़े मंदिर, तो मैं ना हमेशा बोलती हूँ गुरु पापा को, गुरु पापा ये ब्लेसिंग मिल जाए मुझे आज, ऐसे ब्लेसिंग मिल जाए, घर पे भेज देते हैं गुरुजी ब्लेसिंग, ऐसे हैं गुरुजी, गुरुजी को याद करो प्यार करो, बस यही चाहते हैं गुरुजी। अब गुरुजी के चरणों में 2 शब्द एक बार मैं फिर सुना देती हूँ, उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरु पापा,
जय गुरु जी। जो जो गुरु पापा से प्यार करता है उनका हाथ पकड़ेंगे, उनसे बोलेंगे गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लो, हम नहीं पकड़ेंगे गुरु जी से बोलेंगे, ठीक है। जय गुरु जी। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगी एहसान तेरा, मानूंगी एहसान। संकट हमारा कौन टलेगा, संकट हमारा कौन टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना बनोगे तो कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। गुरुजी को बुलाओगे ना, और गुरुजी ना आए तो मुझसे बोल देना, मैं गुरु पापा को स्पेशल जाके बोलूंगी, जरूर आते हैं गुरु पापा। और पता है आपको क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सी संगत डायरेक्ट मुझे गुरु जी की बेटी तो बोलते ही है, पता क्या बोलते हैं, मेरे घर के मेरी मम्मा बोलती हैं, मेरे अंकल बोलते हैं, मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं, मेरे फादर इन लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तेरी बड़ी सुनते हैं गुरु जी, तू हमारे लिए अरदास किया कर, तेरी जल्दी सुनेंगे, तू बेटी है ना उनकी, तू जो बोलती है वो गुरु जी करेंगे, तो ये कृपा है, ये मालिक की कृपा है, ऐसे है मेरे गुरु पापा, आप भी प्यार करो, जो भी संकट हो। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे हो साईनाथ, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, डुगरी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, डुगरी वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और अब गुरुजी से कुछ भी अगर आपकी लाइफ में, संगत जी कुछ भी अगर आपकी लाइफ में दुख आ जाए ना, थोड़ा सा भी दुख आ जाए, सुख हो दुख हो, गुरु जी को बोलो, गुरु जी को याद करो, ये नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा हुआ है तो गुरु जी शुक्राना, गलत हो गया तो गुरु जी हाई कैसे हो गया, नहीं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, चाह को तो सबका है, मुझे तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो तेरे कहने से कर जाएंगे हम सवर जाएंगे, हो हम सवर जाएंगे। जय गुरु जी। गुरु जी ने किस किस की जिंदगी बनाई है, मेरी बनाई है, तो गुरु जी के चरणों में फिर दो लाइनें, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के पापा तेरी यारी को, मैंने सब कुछ माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फिसाना। जय गुरु जी।
दो लाइन और गुरुजी के चरणों में, जब गुरुजी के पास बैठ जाते तो मन नहीं करता जाने का, सच बता रही हूँ मैं। मन तो नहीं करता लेकिन जाना पड़ता है ना, गुरुजी को भी तो जाना है। गुरुजी को यहीं तो ना बैठे रहना, गुरुजी को सबके पास जाना है। है तो गुरुजी अनसंग लेकिन गुरुजी को सबके पास जाना है। तो दो लाइनें और लास्ट, फिर गुरुजी से आज्ञा लेंगे। गुरुजी से मिलना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आई होप सभी को अच्छा लगता होगा। तो दो लाइनें फिर से, मैं नहीं आप भी बोलोगे, आप भी बोलोगे वहीं पे बैठे बैठे गुरुजी से, क्या तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये क्यों है ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, डुगरी जाना दर्शन पाना बड़ा अच्छा लगता है, शीश झुकाना भजन सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, जय गुरुजीत। बहुत सुंदर लगता है मुझे जैसे गुरु जी से मिलना, बातें करना, डांस करना, उनके साथ खाना पीना, ड्रेस पहनना, सब कुछ सब कुछ। एक रबड़ बैंड भी अगर मैं नया लगा देती हूँ ना, तो देखो गुरुजी मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा रबड़ बैंड कैसा लग रहा है गुरुजी। तो गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी से बातें करो। पापा है वो आपके, भाई है वो आपके, हस्बैंड है वो आपके, कोई भी रिश्ता बना सकते हो, गुरुजी ने मना नहीं किया। गुरु का रिश्ता बनाओ, लेकिन जो माँ बाप का रिश्ता होता है उससे बड़ा होता है गुरु का रिश्ता। लेकिन गुरुजी को, गुरुजी तो है ही, गुरुजी के वचनों पे तो चलना ही है, लेकिन प्यार करना उनसे। जय गुरुजी हैप्पी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी हैप्पी करके भेजते हैं। फिर से मैं एक बार और अपनी ब्लेसिंग दिखाती हूँ, सबने नहीं देखी थी ना, देखो मेरी ब्लेसिंग अभी गुरुजी ने भेजी है, ये डायरी भेजी है गुरुजी ने अपनी, ये सुंदर सी प्रिंट करके, ब्यूटीफुल है ना, गुरु पापा ने भेजी है मेरे लिए। गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग भेजते रहते हैं मेरे लिए, अभी एक फ्रेम भी भेजेंगे गुरुजी अपने साथ मेरा, बड़ा सुंदर सा। जय गुरुजी कहते हैं लिपस्टिक लगाते हुए याद करो, बिल्कुल कहते हैं मेकअप करते हुए भी याद करो। मैं मेकअप करके सबसे पहले गुरुजी के पास जाती हूँ, देखो मैं मेकअप करके कैसे लग रही हूँ, आपकी बेटी अच्छी तो खराब तो नहीं लग रही, कहीं ज्यादा मेकअप तो नहीं हुआ, सबका आंसर देते हैं गुरुजी। प्यार करो उनसे, बातें करो, वो सब सुनते हैं, यही तो वो चाहते हैं, पल पल याद करो। जय गुरुजी। अब गुरुजी से आज्ञा लेंगे सात संगत जी, यहीं पे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, आज मैं यहीं पे अपनी जो है गुरुजी से आज्ञा लूंगी। फिर से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना मेरे गुरु पापा, आंटी जी कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, वरुण भैया कोई गलती हो गई हो, सभी संगत से माफी है, कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। बहुत सुंदर मौका दिया आंटी जी, गुरु पापा ने आपको भेजा, ये मौका दिलवाया, थैंक यू सो मच। और गुरु जी का मंत्र जाप करके गुरु जी से आज्ञा लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, थैंक यू अंकल, जय गुरु जी, थैंक यू सात संगत जी, सभी संगत का अनंतम शुक्राना सत्संग में जुड़ने के लिए, थैंक यू। जय डेली आया करूं, ठीक है जी, गुरुजी से बोलो एक दिन ऐसा आ जाए, मैं तो आज उम्मीद होगी, आंटी जी से भी बोल रही थी अभी अभी जब मेरी कॉल पे बात हो रही थी आंटी जी से, मेरा मन करता है मैं रोज आऊं, बिल्कुल रोज सेवा करवा लो, अंकल से बोल रही थी सुनील अंकल से, रोज सेवा करा लो आप, एक दिन ऐसा आए बस महाराज को आप ये कर दो, मैं रोज सेवा करूंगी और दिन रात सेवा करूंगी। और मुझे पता वो दिन भी बहुत जल्दी आया जब गुरुजी ने बोला तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे, तो टेंशन छोड़ दिया मैंने, अब तो मालिक को सेवा देनी है तो अब तो देंगे। ऐसे है, बस भाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मन में कुछ नहीं रख के सेवा करना, गुरु जी ये चाहिए वो चाहिए, नहीं वो सब देंगे, विन बोले सब किच जानता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा मेरे।